हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24x7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और प्यार दोस्तों, आप में कोई भी ऐसा बच्चा जो मेरी वीडियो को देख रहा हो, प्यार दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से ही शुरू हुआ है। देखिए, किस शासक ने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राज्य में परिवर्तित करना संभव है, असंभव है? बताएं। कह रहा, विच रूलर सेड दैट इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इंडिया इनटू ए मुस्लिम स्टेट? बनाए, बलबन, इल्तुतमिस, अकबर एंड बाबर। जवाब देखा आपका, प्रयास करें दोस्तों, क्या होगा आपका? अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? बनाए गाइस, क्या उत्तर चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही गाइस, अगर आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही, इल्तुतमिस इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, इल्तुतमिस इज द राइट आंसर। और इसी इल्तुतमिस को बात करें, इसी इल्तुतमिस को गुलाम वंश का, याद रखना मेरे दोस्तों, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कौन? इल्तुतमिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। बलबन की बात करें तो रक्त और लोह की नीति याद रखिएगा, रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन इसने किया था। रक्त और लोह की नीति बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता भी है। अकबर की बात करें, दास व्यवस्था पर रोक लगाया था, जजिया कर पर रोक लगाया था, जजिया साथ साथ में तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगाया था। गाइस, ये सारे के सारे काम इसी गाइस अकबर के द्वारा किए गए थे। और बाबर की बात करें तो इतिहासकार में, इतिहास में से कलंदर के नाम से जाना जाता है, यानी कलंदर का मतलब होता है दानशील व्यक्ति, यानी दानशील व्यक्ति था, इस कारण से इसे इतिहास में कलंदर के नाम से जाना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, पूरी तरह क्लियर हो गया हो। चलिए गाइस आगे बढ़े, भाई जल्दी जल्दी आ जाइए, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है आज। कह रहा, रॉकी माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? बताएं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। बताएं क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिए गाइस, क्या होगा आपका? अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, कोशिश करें दोस्तों, क्या उत्तर होना चाहिए आपके बारे में? बताएं क्या होता है दोस्तों। ज्योति शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। प्रीति जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सीएम भाई, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? एंड सोएब भाई, वेरी गुड इवनिंग। बताएं, रॉकी माउंटेन किस महाद्वीप में है? बिल्कुल सही गाइस, आंसर इसका उत्तर अमेरिका है। बिल्कुल सही, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है, और नॉर्थ अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में रॉकी माउंटेन सबसे लंबा है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे लंबा है। दक्षिण अमेरिका की बात कर, दक्षिण अमेरिका में एंडीज माउंटेन, याद रखिएगा, एंडीज माउंटेन की बात कर तो एंडीज माउंटेन दक्षिण अमेरिका में है, और विश्व की सबसे लंबी, याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन? ऐसे गाइस, दक्षिण अमेरिका में एंडीज माउंटेन। यूरोप में सबसे फेमस है यूराल माउंटेन, आपको पता ही है। यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करता है, याद रखिएगा, एशिया और यूरोप को अलग करता है मेरे दोस्त, कौन सा? एज ए गाइस, यूराल माउंटेन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? बताएं, अगर हम बाबर की बात करें तो भाई बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहते हैं, याद रखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक, और इसे इतिहास में कलंदर के नाम से जाना जाता है, दानशील व्यक्ति कहते हैं। और साथ साथ में याद रखिएगा मेरे दोस्तों, साथ साथ में याद रखिए दोस्तों कि इसने पानीपत के युद्ध में, याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध कब लड़ा था मेरे दोस्तों? तो 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था, और डिफीट करके जिस वंश की स्थापना की थी उसे एज ए मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। अगर ईबक की बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की बात करें तो यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, और इसी ने अपने को खलीफा घोषित किया था। बिल्कुल सही, इसी ने अपने को खलीफा घोषित किया था। और इल्तुतमिस की बात करें तो ये ईबक का गुलाम था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ईबक का गुलाम था, याद रखना, और इसी इल्तुतमिस के द्वारा एकता व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, एकता व्यवस्था की शुरुआत की गई थी प्यारे दोस्तों, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा भाई, लाइक करते चलिएगा। और जिसने, प्यारे दोस्त, अगर आप में से किसी ने शेयर नहीं किया है तो शेयर करते चलिएगा भाई, शेयर करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है, जवाब देखा था आपका, स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर और उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही गाइस, इसका आंसर बिल्कुल सही है, स्वेज नहर इज द राइट आंसर। जो लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ती है, 193 किलोमीटर लंबा है, याद रखना मेरे दोस्तों, और 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? तो मिस्र में है दोस्तों, याद रखिएगा, मिस्र में है, याद रखना दोस्तों। पनामा नहर की बात करें तो भाई पनामा नहर याद रखना, प्रशांत महासागर याद रखना, प्रशांत महासागर के साथ ये अटलांटिक महासागर को जोड़ता है मेरे दोस्तों, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है,
याद रखना दोस्तों, कौन? पनामा नहर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है। जाकिर हुसैन का स्वेज, आशु सिंह का ए, अंजलि आरफ का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और शासन वर्षा दलाल का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और गौरव कुमार का 193 बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस शासक ने घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की थी? घोड़ा दागने की बात कह रहा है, बताएं, कह रहा है इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री विच रूलर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हॉर्स फायरिंग? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर आपको बताएं? जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, अकबर एंड अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही गाइस, इसी अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो घोड़े को दागने के साथ साथ, गाइस याद रखना, दागना और साथ साथ में सैनिकों का हुलिया लिखवाना, सैनिकों का हुलिया याद रखिए, सैनिकों का हुलिया यानी हुलिया लिखवाने की प्रथा की शुरुआत इसी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। याद रखना दोस्तों, याद रखना, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्यार दोस्तों, अगर आप में कोई भी बच्चा यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहता है तो 10 जून से बैच स्टार्ट है, याद रखना। फीस है गाइस 1379 फीस है, और इसके लिए कोड लगा दीजिएगा Y242, याद रखना Y242 कोड लगा दीजिएगा। जबरदस्त बैच आ रहा है 10 जून से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नगर में ऐसे कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं पूछा है? गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, गोबी डेजर्ट मंगोलिया, पैटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना, अटाकामा डेजर्ट दक्षिण अफ्रीका। बताएं, क्या दोस्तों जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपका? बिल्कुल सही गाइस, अटाकामा डेजर्ट, बिल्कुल सही। अटाकामा डेजर्ट की बात करें तो अटाकामा डेजर्ट कहां पे है? तो प्यार दोस्तों, ये अटाकामा डेजर्ट कहां पे है? तो चिली में, मेरे दोस्तों याद रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका में एक कालाहारी डेजर्ट सबसे ज्यादा फेमस है, कालाहारी मरुस्थल कहां पर? तो प्यार दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ ये बोस्वाना में भी लोकेटेड है, याद रखना दोस्तों, याद रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इस्लामिक कानून का प्रमुख स्रोत क्या है? इस्लामिक कानून का प्रमुख स्रोत पूछा, इजमा, कयास, कुरान, हदीस। इस्लामिक लॉ ए मेजर सोर्सेस, इजमा एंड कयास एंड कुरान एंड हदीस। जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर आपको बताएं? इस्लामिक कानून का प्रमुख स्रोत क्या है? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपका? बिल्कुल सही गाइस, कुरान इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, कुरान इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अंजलि आरव जी जवाब देते चलिए, इस्लामिक कानून का स्रोत क्या है? तो कुरान सही है बेटा, कुरान इज द राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में बुरजिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताएं, शासन में ये भी जवाब दें, जो जिला दर्रा कहां पे है, जो जिला भी बताएं, जो जिला दर्रा कहां पे, जवाब दें, शासन बताएं, बारालाचा, याद रखना, बारालाचा दर्रा कहां पे, जवाब दें, शासन जवाब दें, नाथुला दर्रा कहां पे, जवाब दें, नाथुला दर्रा कहां पे, जवाब दें, और शासन जवाब दें, नीतिला कहां पे है, ये भी जवाब दें। ये चार दर्रे अलग से पूछा हो, जवाब दें, क्या होता है आपका? बुरजिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, इसका आंसर जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल सही। और जो जिला दर्रा की बात करते, ये भी जम्मू कश्मीर में, याद रखना। बारालाचा की बात करते, हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। नाथुला की बात करते, सिक्किम में, याद रखिएगा। नाथुला कहाँ पर? सिक्किम में, मेरे दोस्तों। और नीतिला की बात करते, उत्तराखंड में, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगला क्वेश्चन ये आपका, कह रहा है, भारत में पहला तुर्की मस्जिद कौन सा है? तुर्की मस्जिद पूछा, मेरे दोस्तों बताएं। कुतुब मीनार की बात करें तो ईबक ने बनवाया था, याद रखिएगा, एबक के द्वारा बनवाया गया था। साथ साथ में अगर बात करें अरायदीन झोपड़ा की बात करें तो ये भी एबक ने बनवाया था, और ये कहाँ पे? तो अजमेर में है। अगर कुवतुल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो एबक ने बनवाया था, याद रखना। और दिल्ली के जामा मस्जिद की बात करें तो शाहजहां ने बनवाया था, मेरे दोस्तों। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने? शाहजहां ने बनवाया था। तो क्या होता है दोस्तों, बताएं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, बिल्कुल सही, कुवतुल इस्लाम, बिल्कुल सही, मेरे दोस्तों, कुवतुल इस्लाम मस्जिद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। यानी कि भारत में पहला तुर्की मस्जिद कुवतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। आपसे पेपर में पूछेगा, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां, टिक कर देना। कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऐबक, टिक कर देना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है, भारत के किस राज्य में काली मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? काली मृदा की बात हो रही है, बताएं,
काली मृदा की बात करें से रेगुर मृदा कहते हैं, याद रखना रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, साथ साथ में इसे कपासी मृदा कहते हैं, याद रखना कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। साथ साथ में इसी काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा। और इसी काली मृदा की बात करें तो इसको माना जाता है कि स्वयं अपनी जुताई करती है, स्वयं जुताई करती है, स्वयं जुताई करती है, कौन? काली मृदा, याद रखना। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर बिल्कुल सही, गुजरात इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, गुजरात में सबसे ज्यादा, गुजरात में सबसे ज्यादा काली मृदा का विस्तार है, यही कारण है गुजरात और महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए कह रहा है, अलाई दरवाजा इमारत का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताए, कह रहा विच रूलर बिल्ड द अलाई दरवाजा बिल्डिंग? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, अकबर एंड बाबर, याद रखना। आपको बताना बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा बताएं, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किस, दरवाजा किसने बनवाया था बताएं, बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? ये भी जवाब दें, प्रयास करें दोस्तों। बलबन की बात करें तो याद रखना सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत इसी ने करी थी, याद रखना सिजदा और पैबोस की प्रथा, साथ साथ में नौरोज की प्रथा की शुरुआत, याद रखना नौरोज त्यौहार की शुरुआत इसी बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। जबकि अलाई दरवाजा का निर्माण बिल्कुल सही अलाउद्दीन खिलजी आंसर है, और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था, बिल्कुल सही। किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात, याद रखना गुजरात की जीत, गुजरात की जीत पर इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, पूरी तरह से क्लियर है। यहाँ पे बाबर की बात करें तो इतिहास में कलंदर कहते हैं, और कलंदर का मतलब होता है दानशील व्यक्ति, और इसी बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट जीएसटी बिल पास्ट? बताए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी बिल पास किया गया था? जीएसटी की बात करें तो प्यार दोस्तों 1954 में फ्रांस सबसे पहला राष्ट्र था, फ्रांस सबसे पहला राष्ट्र था जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, याद रखना। हमारी जो इंडियन जीएसटी है, इंडिया की जो जीएसटी है प्यारे दोस्तों, याद रखना ये कनाडा के मॉडल्स पे आधारित है, कनाडा के मॉडल पे आधारित है कौन सी? हमारी जीएसटी, याद रखना दोस्तों। और साथ साथ में भी याद रखना कि भारत में जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तेलंगाना पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी लागू किया था मेरे दोस्तों। जीएसटी लागू किया था कब से? तो 2017, याद रखना 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए कह रहा है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किसे मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है? मध्यकालीन संगीत का संस्थापक की बात करें, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ मेडिवल म्यूजिक इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री? जवाब दें, क्या था आपका? जाकिर हुसैन जवाब दें, रवि भाई जवाब दें, जयश्री जवाब दें, तानिया गहलोत जवाब दें, सोएब भाई जवाब दें, वर्षा दलाल जवाब दें, योगेंद्र भाई जवाब दें, बिंदु वर्मा जवाब दें, रोहित गुप्ता जवाब दें, और साथ साथ में नेहा गुप्ता जवाब दें, क्या उत्तर आपका बताएं? संगीत का संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही, अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, और इसी अमीर खुसरो के द्वारा कव्वाली, याद रखना कव्वाली का जन्मदाता, कव्वाली याद रखना, कव्वाली का जन्मदाता इसी को माना जाता है, कव्वाली जो गाई जाती है इसी अमीर खुसरो को ही जन्मदाता माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया मेरे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई, और फटाफट गाइस शेयर करना शुरू करिए, गाइस शेयर करना शुरू करिए, संख्या बढ़ाइए मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी संख्या बढ़ाइए भाई, लाइक एंड शेयर करते चलिए, लाइक एंड शेयर करते चलिए, क्या होता है गाइस बताएं? चलिए गाइस बिल्कुल सही हो गया। भारत में राष्ट्रीय आय कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बताएं, राष्ट्रीय आय की गणना प्यारे दोस्तों सबसे पहले 1867 में, 1867 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी मेरे दोस्त किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना बिल्कुल सही CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है जिसका काम है सेंट्रल स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका सबसे मेन काम है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए कह रहा है,
हिंदी भाषा के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है बताएं? पृथ्वीराज रासो के लेखक पूछा जा रहा है। चंदबरदाई, अमीर खुसरा, दलपत विजय और जगनेक, बताएंगे आपका जवाब दे दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों क्या उत्तर आपका। बिल्कुल सही, चंदबरदाई, चंदबरदाई इज द राइट आंसर। इसी चंदबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी, जो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था, याद रखना दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था कौन? चंदबरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और यही पृथ्वीराज रासो जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है दोस्तों, याद रखना। प्यारे दोस्तों 15 क्वेश्चन हो गए, प्यारे दोस्तों 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, लाइक एंड शेयर करते चले मेरे दोस्तों, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, याद रखिए मेरे दोस्त। अब प्यारे दोस्त आप याद रखिएगा, अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा जो न्यू स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। कह रहा है सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था बताएं। कह रहा है इन विच फाइव ईयर प्लान वॉज स्लोगन गरीबी हटाओ फर्स्ट इंट्रोड्यूस? तृतीय पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। जवाब दें क्या होता है आपका, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपको बताएं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ? बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही, पांचवी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही, पांचवी पंचवर्षीय योजना इज द राइट आंसर। ऐसा आप में कोई स्टूडेंट है जिसके 15 में 15 बिल्कुल सही बने हो? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका 15 में 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहे हो? अगर 15 में 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहे हैं, सटीक बन रहे हैं, तो जबरदस्त आपकी तैयारी चल रही है, जबरदस्त तैयारी चल रही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? व्हाट इज द टू डे हट? यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा कह रहा है, अढ़ाई याद रखिएगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा पूछा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बताएं क्या है दोस्तों, बताइए क्या उत्तर है आपका, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, मकबरा है, दारागाह है? जवाब दें, प्रयास करें दोस्तों, क्या होता है आपका। प्यारे दोस्तों अगर आप में कोई भी बच्चा यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहता है, प्यारे दोस्तों 10 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर ज्वाइन करना है तो आज के आज जाके ज्वाइन करें, 78% का डिस्काउंट चल रहा है, कोड लगा दीजिएगा मेरे दोस्तों Y242, याद रखना Y242 कोड लगाइए और ये बैच ज्वाइन करिए गाइस, याद रखना दोस्तों, बिल्कुल सही, मस्जिद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। किसने बनवाया था? तो ईबक ने बनवाया था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, और यही ईबक था जिसे भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, याद रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन ये रहा, निगम में ऐसे कौन सी कमेटी महानियंत्रक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करती है? कौन सी कमेटी महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करती है बताएं? महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, क्या होता है दोस्तों बताएं? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्रकलन समिति और उपरोक्त में से कोई नहीं? जवाब दें, प्रयास करें दोस्तों, क्या होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बताएं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इसका प्रोविजन किया गया है, इसका काम क्या है? तो ऑडिट करना इसका काम है, याद रखना। और इसकी रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो बिल्कुल से पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी जांच करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो चलेगा इस आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे, चलेगा इस अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, कह रहा है ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी सबसे पहले हाउस टैक्स किसने लगाया था? आपसे हाउस टैक्स पूछ रहा है, बता दीजिए क्या होता है आपका। बाबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक बताएं। बाबर की बात करें तो बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, याद रखना, संस्थापक माना जाता है। इसी ने तुजुक ए बाबरी याद रखना, तुजुक ए बाबरी की रचना की थी, याद रखना, तुजुक के बाबरी की रचना किसने? बाबर ने की थी, याद रखना, ठीक है। और इसी औरंगजेब को फकीर कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं दोस्तों, याद रखना, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और यही अलाउद्दीन खिलजी था जिसने पहली बार हाउस टैक्स लगाया था। और यही मोहम्मद बिन तुगलक था, जो विद्वान व्यक्ति था, याद रखिएगा, जिसे मैथ का, ज्योतिष शास्त्र का, दर्शन का, हर एक चीज़ का ज्ञान था, लेकिन अपनी योजनाओं के कारण ये काफ़ी बदनाम बादशाह के रूप में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस बाजार में कंपनियां अपने उत्पाद ब्रांड नाम से बेचती हैं? ब्रांड नेम से बेचती बताएं?
पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। जवाब देख क्या होता है आपका, कह रहा है इन विच मार्केट डू कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम, ब्रांड नेम से कौन सी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती है। फुल कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली, बताएं क्या होता है दोस्तों। जवाब दीजिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, अटेम्प्ट लीजिए, क्या उत्तर है आपका बताएं। बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए कह रहा है, कह रहा है गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था बताएं। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें बलबन की बात करें, रक्त और लोह की नीति रट लीजिएगा, रक्त और लोह की नीति याद रखिएगा, रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन बलबन ने, और यही बहलोल लोदी था जो लोदी वंश का संस्थापक था, लोदी वंश का संस्थापक था याद रखना। इब्राहिम लोदी की बात करें, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था, अंतिम शासक था लोदी वंश का, और इसीलिए इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित करके जिस वंश की स्थापना की थी उसे मुगल वंश कहते हैं, और यही सिकंदर लोदी था जिसने गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखी थी, और यही सिकंदर लोदी था जिसने 1504 में गाइस आगरा शहर की स्थापना किया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन, तो यही सिकंदर लोदी था, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, जवाब दें। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जवाब दें, प्रयास करें दोस्तों, कोशिश करें दोस्तों, अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया याद रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, साथ साथ में यही दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय का मापन सबसे पहले किया था, राष्ट्रीय आय का मापन सबसे पहले किया था याद रखना, साथ साथ में यही दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने कांग्रेस के गाइस 1886 याद रखना, 1886 में कलकत्ता, 1886 में कलकत्ता के अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन, दादा भाई नौरोजी, याद रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन प्यार दोस्तों, अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था बताएं, अटाला मस्जिद के बारे में पूछा है बताएं, क्या आपका कह रहा है विच रूलर बिल्ड द अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद का संस्थापक पूछा है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था बता दीजिए। बिल्कुल सही गाइस, इसका आंसर बिल्कुल सही इब्राहिम शर्की है, जौनपुर के शासक थे याद रखिएगा, जौनपुर के शासक थे, जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था याद रखना दोस्तों। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यही इब्राहिम लोदी था जो पानीपत के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में याद रखिएगा, पानीपत के युद्ध में मेरे दोस्तों कब, 1526 में बाबर से पराजित हुआ था याद रखना, बाबर से पराजित हुआ था और बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रश्न से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं बताएं। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था मेरे दोस्तों याद रखना, दया राम साहनी याद रखिएगा, दया राम साहनी ने, दया राम साहनी ने याद रखना मेरे दोस्त 1921 में इसकी खुदाई करवाई थी मेरे दोस्तों याद रखना, 1921 में खुदाई कराई थी किसने, दया राम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की बात करें 1922 याद रखना, 1922 में मेरे दोस्तों याद रखिएगा, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा याद रखना मेरे दोस्त मोहनजोदड़ो खुदाई कराई गई थी। और लोथल की बात करें तो प्यार दोस्तों रंगनाथ याद रखिएगा, रंगनाथ राव के द्वारा लोथल खुदाई कराई गई थी, और यही कालीबंगा था जहाँ से जूते खेत के साक्ष्य है, और इसकी खुदाई अमलानंद घोष याद रखिएगा, अमलानंद घोष और बीके थापर के द्वारा, अमलानंद घोष और बीके थापर के द्वारा इसी कालीबंगा की खुदाई कराई गई थी। प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों अगर आप में से किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे दोस्त अगर आप में से किसी ने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड शेयर करते चलिए। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, कश्मीर का अकबर पूछा बताएं, कह रहा हूँ इज कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर बताएं, क्या होता है दोस्तों, शमसुद्दीन को, सिकंदर शाह को, जैनुल अबिदीन को, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, बार बार पेपर में पूछा है, एसएससी में, एसएससी के सीजीएल के पेपर में
और CHSL के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बताएं क्या होता दोस्तों। मेरे को कहा जैनुल अबिदीन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, जैनुल अबिदीन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताएं, कह रहा है महात्मा बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट, बताइए पीपल के पेड़ के नीचे, साल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के तट पर, याद रखिएगा निरंजना, निरंजना नदी के तट पर, याद रखना मेरे दोस्त, निरंजना नदी के तट पर गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी गया को बोध गया कहा जाता है, बोध गया के नाम से जाना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है चगैस, तो पीपल का पेड़ टिक कर दीजिए। साल के पेड़ की बात करें तो साल के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी, याद रखिएगा महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना। और कौन सी नदी थी, तो ऋजुपालिका नदी थी, याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी थी मेरे दोस्त, याद रखिएगा, यानी कि महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आई होप अंडरस्टैंड गाइस। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, अगला क्वेश्चन रहा गाइस, देखिए कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, बताएं, कह रहा है, कह रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, कह रहा विजयनगर विजयनगर एम्पायर इस्टैब्लिश्ड, बताएं हरियर बुक का, शमसुद्दीन, सिकंदर शाह, जैनुल अबदीन, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट नहीं, क्या होता है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बिल्कुल सही हरियर और बुक्का, बिल्कुल सही गाइस, हरियर बुक्का के द्वारा, हरियर और बुक्का के द्वारा, याद रखना गाइस, 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य स्थापना की थी, और इसमें शासक कौन थे, तो इस शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरियर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही, अच्छा जवाब आ रहा है, सटीक जवाब आ रहा है, बिल्कुल सटीक जवाब आ रहा है। मध्यकालीन इतिहास में जजिया कर था, जजिया कर बताइए क्या था गाइस, फटाफट, जजिया टैक्स वॉस इन मेडिवल हिस्ट्री, बताएं क्या दोस्तों, अगर जजिया कर के इतिहास की बात करें तो जजिया कर सबसे पहले 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, याद रखना मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, प्यार दोस्तों याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले सिंध क्षेत्र में, सबसे पहले सिंध क्षेत्र में जजिया कर लागू किया गया था, याद रखना दोस्तों। और ये था क्या, तो बिल्कुल सिक्योरिटी टैक्स था, सुरक्षा कर था, याद रखना सुरक्षा कर था, याद रखना सुरक्षा कर था मेरे दोस्तों, याद रखना सुरक्षा कर था। आज प्रियंका यादव का स्वागत करिए, प्रियंका यादव आज आ गई हैं हमारे साथ, जुड़ गई हैं, पता नहीं आज कैसे भूले भटके प्रियंका यादव आई हैं हमारे साथ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। साहित्यकारों ने किसे तीन समुद्रों का स्वामी कहा है, तीन समुद्रों का स्वामी पूछा है मेरे दोस्तों, बताइए क्या तो आपका, हु हैव बीन कॉल्ड द मास्टर ऑफ द थ्री सीज बाय द लिटरेचर्स, बताएं क्या तो दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका तो आपका, अटेम्प्ट इज दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, क्या होता है आपको बताएं, हरियर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरियर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, बताएं क्या तो दोस्तों, जवाब तो दीजिए, प्रयास तो करिए दोस्तों, क्या होता है आपका, बिल्कुल सही, बुक्का प्रथम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बुक्का प्रथम को ऐसे तीन समुद्रों का स्वामी के रूप में चिन्हित किया गया, फिर से मैं कहूंगा गाइस, फिर से मैं रिपीट करूंगा, प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आप में कोई भी नया बच्चा है हमारे साथ, अगर नए बच्चे हैं तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त, लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे दोस्त अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं, बताएं साथ साथ में जवाब दें, संथाल जनजाति के लोग, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति कहाँ पे निवास करती है, बताएं साथ साथ बताएं, ओंग जनजाति कहाँ पे निवास करती है, ओंग जनजाति बताएं, ओंग जनजाति कहाँ पे निवास करती, जवाब दें, और साथ साथ बताएं, जारवा जनजाति कहाँ पे निवास करती, जारवा जनजाति बताएं, जारवा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, ये भी जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका, इसका आंसर बिल्कुल सही झारखंड है, ये तो सब जानते हैं, और संथाल भी कहाँ पे, तो झारखंड में, याद रखिएगा संथाल जनजाति भी झारखंड में है, और ये अंडमान, याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार में, याद रखना मेरे दोस्तों, अंडमान निकोबार में ओंग जनजाति और जारवा जनजाति निवास करती है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था, दिल्ली नामक सिक्का पूछा है, कह रहा विच रूलर इंट्रोड्यूस द कॉइन नेम दिल्ली, बताएं दिल्ली नामक सिक्का किस शासक के द्वारा, किस शासक के द्वारा जारी किया गया था मेरे दोस्तों, प्रयास करें मेरे दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट इज दोस्तों, कोशिश करें दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपको बताएं, दिल्ली नामक सिक्का
किस शासक के द्वारा? बिल्कुल सही है, मोहम्मद गौरी राइट आंसर। मोहम्मद गौरी के द्वारा देहली नामक सिक्का जारी किया गया था। ऐसे मोहम्मद गौरी की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध याद रखना, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और दूसरा युद्ध में याद रखना तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन याद रखना मेरे दोस्तों, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें दूसरा युद्ध हुआ था। इस दूसरे युद्ध में 1192 में इसने पृथ्वीराज चौहान को, याद रखना पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था मेरे दोस्त, किसने? मोहम्मद गौरी ने। और इसकी मृत्यु 1206 में खोखर जनजाति से लड़ते हो गई थी। खोखर याद रखिएगा, खोखर, खोखर जनजाति से, खोखर जनजाति से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। किसके? इसी मोहम्मद गौरी की। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं से कौन सा सदन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता, राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग नहीं लेता, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता मेरे दोस्त। जवाब दीजिए क्या होता है आपका? लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, यानी विधानसभा कह रहा है मेरे दोस्तों। यहाँ पे विधानसभा कह रहा है याद रखिएगा, ये विधानसभा है याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये काउंसिल है मेरे दोस्तों याद रखिएगा, काउंसिल है मेरे दोस्तों याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल याद रखिएगा मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है मेरे दोस्त, काउंसिल बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? जवाब दें क्या होता है आपका? प्रयास के दोस्तों, अटेम्प्ट इज दोस्तों, कोशिश कर दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों क्या होता है आपका बताएं। राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग नहीं लेता, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करता, विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करता मेरे दोस्त याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और ये भी याद रखना मेरे दोस्तों, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का प्रोविजन किया गया है, जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य पूछा मेरे दोस्तों, बताएं हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ बहमनी, बताएं क्या होगा आपका? प्रयास करें दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों, अटेम्प्ट इज दोस्तों, कोशिश करें दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर है आपका बताएं, क्या होता है दोस्तों बताइए। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, निजाम शाह, बहलोल लोधी, अलाउद्दीन हसन, बताएं क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिएगा इस, क्या होता है आपका? प्रयास करते चलेगा इस, प्रयास करते चले मेरे दोस्तों, प्रयास जरूर करेंगे इस, एक एक बच्चा प्रयास करे, एक एक बच्चा कोशिश करे, जवाब सब लोग दीजिए गाइस, क्या उत्तर है आपका बताएं, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? प्रयास करिए दोस्त, प्रयास जरूर करिए, एक एक बच्चा प्रयास करिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? जवाब देगा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका? प्रयास करिए गाइस, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर है आपका? जवाब दीजिए गाइस, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, अलाउद्दीन हसन, बिल्कुल सही, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा याद रखना मेरे दोस्त, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा याद रखना मेरे दोस्त, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बहुत सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से पायरिया रोग का कारण क्या है बताएं, पायरिया रोग का कारण क्या है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या होता है आपका? ये तो जवाब आना चाहिए, ये जवाब आना चाहिए, ये गलती की कोई गुंजाइश नहीं है साइंस के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, एक एक बच्चे का सटीक जवाब आना चाहिए। अब तो रट गया होगा मेरे दोस्त, रट गया होगा, जवाब दे दीजिए क्या उत्तर है आपका? फर्क जवाब दे दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ द पायरिया? जवाब दें, एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका, लिशमेनिया डोनोवानी, एंट अमीबा जिंजिवेलिस, एल्जामोडियम। प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका? प्यार दोस्तों, अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा नया स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट है, चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चेक गाइस, बिल्कुल सही, एंट अमीबा जिंजिवेलिस, बिल्कुल सही, एंट अमीबा जिंजिवेलिस से पायरिया डिजीज होता है, जिससे मसूड़ों में खून आता है और मुंह से बदबू भी आती है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत पूछा है, बताएं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो हमने यहां से फंडामेंटल राइट लिया, याद रखना, साथ साथ में हमने फंडामेंटल राइट के साथ साथ यहां से प्रस्तावना का प्रावधान लिया, याद रखना, और साथ साथ में निर्वाचित राष्ट्रपति, अगर निर्वाचित राष्ट्रपति पूछे, निर्वाचित राष्ट्रपति, तो प्यारे दोस्तों याद रखना, निर्वाचित राष्ट्रपति हमने अमेरिका से लिया है। ब्रिटेन से बात करें तो यहाँ पे संसदीय व्यवस्था लिए मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था अगर पूछे तो संसदीय व्यवस्था हमने, संसदीय
व्यवस्था पूछे आपसे। तो संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया, याद रखिएगा समवर्ती सूची लिया है, साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन लिया है, संयुक्त अधिवेशन याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन बोले तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन लिया है, और कनाडा से राज्यपाल का प्रावधान लिया गया है, राज्यपाल का प्रावधान लिया गया है। तो आंसर क्या होगा, अमेरिका इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही इसका आंसर, अमेरिका इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही गाइस। रक्त समूह की खोज किसने की थी बताएं, ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय बताएं, लुवेनहॉक, वॉटसन क्रिक, फार्मर और मुरे, कार्ल लेडिस्टीनर, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपका जवाब दे दोस्तों। प्यार दोस्तों अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अब तक लाइक नहीं किया हो भाई लाइक कर दीजिएगा, मेरे दोस्त लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे दोस्त अगर शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करते चलेगा गाइस। देखिए भाई जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ोगे उतना ज्यादा से ज्यादा ही लंबा शो चलेगा। तो प्यारे दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि शेयर करें और साथ में बच्चों की संख्या भी बढ़ाएं। बिल्कुल सही गाइस, कार्ल लेडिस्टीनर, बिल्कुल सही कार्ल लेडिस्टीनर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, क्या बात है, बहुत सही गाइस। निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ गाइस बताएं, प्रोटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स बताएं, साथ में बताएं प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, ये भी जवाब दें, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, जवाब दें, तो बिल्कुल सही इसका आंसर जीव द्रव्य है, और प्रोटीन का संश्लेषण बात करें तो राइबोसोम्स करता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा राइबोसोम जो है प्रोटीन के संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन गाइस ये आपके लिए, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन के संचरण के लिए उत्तरदायी है, याद रखना यहाँ पे संचरण वर्ड यूज किया गया है, जवाब दीजिए, विच पार्ट ऑफ द सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटीन्स बताएं, क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिए गाइस, प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट इज दोस्तों कोशिश करें दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होता है आपका, बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर। राइबोसोम जो होता है ये संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है दोस्तों, याद रखना, और लाइसोसोम की बात करें तो इसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, किसका, तो लाइसोसोम्स को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ डीएनए इज फाउंड बताएं, कह रहा है डीएनए की अधिकांश मात्रा पाई जाती है मेरे दोस्त बताइए क्या होता है आपका, कोशिका झिल्ले, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, जवाब दीजिएगा इसका होता है आपका। प्यार दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ऊर्जा का घर कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। शासन बात करें लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं, याद रखिएगा आत्महत्या की थैली कहा जाता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको, एज ए लाइसोसोम्स को, जवाब दिया तो आपका, बिल्कुल सही गाइस, यहाँ पे केंद्रक होगा, बिल्कुल सही केंद्रक इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही मेरा तो रॉ एजेंट का बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है बताएं, और कौन सा विटामिन है जिसके कारण रक्त जमता है बताएं, क्या होता है दोस्तों, बताइए फटाफट गाइस, जवाब दे गाइस, रक्त को जमने से रोकता है, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपका बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग इनसाइड द बॉडी, देखते कौन जवाब देता है, बिल्कुल गाइस जवाब दीजिए क्या होता है आपका, क्या बात है, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, फाइब्रिनोजन याद रखिएगा। अंजलि ने आंसर गलत कर दिया है इस बार, अंजलि ने आंसर गलत किया, सीएम का आंसर गलत हुआ, आनदीम का आंसर गलत हुआ, और साथ साथ में प्यारे दोस्तों गरिमा चौधरी का भी आंसर गलत हो गया, ठीक है बिल्कुल सही मेरे दोस्तों याद रखिएगा। और विटामिन कौन सा है, तो के याद रखिएगा, विटामिन के इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा अग्नाशय में किस भाग से इंसुलिन का स्राव होता है, अग्नाशय से इंसुलिन पूछा है, कौन से इंसुलिन का स्राव होता है बताइए, क्या होता है दोस्तों, प्रयास के दोस्तों क्या होता है आपका, अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों क्या होता है आपका, ये सीएम सबका आंसर गलत कराता है, सीएम जो है
सब का आंसर गलत कराता है, सब का गलत कराता है। सीएम तुम जैसी सब जब देता है तो कुछ बच्चे तुम्हें फॉलो भी कर देते हैं, मुझे अफसोस है इस बात का। अरे प्यारे बच्चों अपना जवाब दिया करो यार, अपना जवाब दिया करो, अपना दिया करो अपना है। बिल्कुल सही, बीटा सेल्स, बिल्कुल सही, बीटा सेल्स इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा गाइस, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, कह रहा कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा इज यूज बनाए, क्या होता है दोस्तों जवाब दीजिएगा इसका, तो आपका प्यारे दोस्तों जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, बताएं क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए भाई क्या होता है आपका, प्यारे दोस्तों जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, बताएं फटाफट जवाब दीजिएगा गाइस, एक एक बच्चा जवाब दे, एक एक बच्चा कोशिश करे क्या उत्तर है आपका, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका, जवाब दीजिएगा गाइस क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, तो बिल्कुल गाइस उपरोक्त सभी बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, कास्टिक सोडा का प्रयोग सभी पेट की अम्लता को दूर करने में, प्लास्टर बनाने में, साथ साथ में साबुन बनाने में, उपरोक्त सभी में इसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। किसका किसका जवाब सही आ रहा है बताएं फटाफट जवाब देगा, किसका किसका सही हो गया भाई, कौन कौन बच्चा सही जवाब दे रहा है, बिल्कुल गाइस सबका जवाब आ रहा है, सबका जवाब सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जबरदस्त मेरे दोस्तों, जबरदस्त, बिल्कुल सही गाइस। अगला क्या, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यक्रम देखा था, 8 सुल्तानों का कार्यक्रम देखा था, बताएं इब्न बतूता, इब्न बतूता की बात करें 1333 ईस्वी में ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था मेरे दोस्तों, मोरक्को का यात्री था, कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था, MBT मोहम्मद बिन तुगला के समय भारत आया था, याद रखना दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता, इब्न बतूता इसकी पुस्तक का नाम भी रहला था, याद रखिएगा दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम भी क्या था, रहला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसने देखा था, तो अमीर खुसरो टिक कर दीजिएगा, अमीर खुसरो टिक कर दीजिएगा, अमीर खुसरो टिक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा अमीर खुसरो इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा, अगर न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, नहीं पूछा मेरे दोस्तों बताएं, कह रहा है अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में याद रखना, 8वीं अनुसूची में मेरे दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, बताएं टोटल कितनी भाषाएं, 22, और कौन सी भाषा नहीं है, तो बिल्कुल सही फारसी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही फारसी भाषा संविधान में नहीं, याद रखना फारसी भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया मेरे दोस्तों, नहीं किया गया है। प्यार दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा SSC CGL की तैयारी कर रहा हो या CHSL की तैयारी कर रहा हो, CHSL की तैयारी कर रहा हो, दोस्तों याद रखना, दोस्तों याद रखना, दोस्तों याद रखना, प्यारे दोस्तों याद रखना, ये 321 रुपये में टेस्ट पैक मिल रहा है, आज के आज जाके ज्वाइन करें, जबरदस्त है, कोड लगा दीजिएगा Y242, याद रखना Y242 कोड लगाइए और टेस्ट पैक जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन गाइस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, ये भी जवाब दीजिए, समाजवाद कहाँ से लिया गया है, समाजवाद कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, ये भी जवाब दीजिए, कहाँ से लिया गया है, बताइए लिया गया समाजवाद कहाँ से लिया गया है, इसका तो आंसर बिल्कुल सही 42nd Amendment Act 1976, याद रखिएगा 42nd Amendment 1976 के द्वारा हमने समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा था, और साथ साथ में याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये भी जवाब देना है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये बताइए संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था, समाप्त किया गया, बताएं संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया किस संशोधन के द्वारा, ये भी जवाब दीजिए, ये भी जवाब दीजिए, ये भी जवाब दीजिए, ये तो हमने लिया था गाइस बिल्कुल सही, रशिया से लिया है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा समाजवाद कहाँ से लिया, तो रशिया से, और इसका आंसर है 44th Amendment Act 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा मेरे दोस्तों संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके एज ए राइट नाउ फंडामेंटल राइट के रूप में हटा दिया गया है, और इट्स अ लीगल राइट, वर्तमान समय से लीगल राइट के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है, निर्वाचन आयोग के चुनाव में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, उपरोक्त सभी, बताएं, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग किसका चुनाव नहीं कराता, अगर निर्वाचन आयोग की बात करें, याद रखिएगा निर्वाचन आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करें, तो आर्टिकल 324 से, आर्टिकल 324 से
324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का प्रोविजन किया गया। द चेयरमैन एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर काउंसिल फॉर द टेनर ऑफ 6 ईयर और द एज ऑफ 65 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल सही गाइस, इसका आंसर बिल्कुल सही से, क्योंकि पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव कनेक्ट कराया जाता है। बिल्कुल सही गाइस, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान में राज्यपाल का प्रावधान किस देश के से लिया गया है? राज्यपाल का प्रावधान कहां से लिया गया बताएं। बिल्कुल गाइस, अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा से राज्यपाल का प्रावधान लिया गया है। बिल्कुल सही, साथ साथ में अवशिष्ट शक्तियां याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां कहां से, तो गाइस कनाडा से लिया गया है। यूएसए की बात करें तो फंडामेंटल राइट का प्रोविजन यहीं से लिया गया है, साथ साथ में याद रखना दोस्तों, यूएसए से बात करें तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ प्रस्तावना का प्रावधान यहीं से लिया गया, प्रस्तावना का प्रावधान यहीं से लिया गया है, कहां से, यूएसए से। फ्रांस से बात करें तो गणतंत्र व्यवस्था लिया गया है, गणतंत्र व्यवस्था कहां से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया दोस्तों। और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था लिया गया मेरे दोस्तों कहां से, तो ब्रिटेन से। तो इसका आंसर क्या हो गया, कनाडा हो गया मेरे दोस्तों। बिल्कुल सही, कनाडा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही प्यारे दोस्तों, देखिए भाई मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ तो कह रहा हूँ, आपसे मैं इतने देर से एक चीज़ कर रहा हूँ कि संख्या बढ़ा दीजिए। आप ही लोग बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे शेयर करते हैं, मात्र 4 से 5 बच्चा ही शेयर करता है, बाकी कोई शेयर नहीं करता। भाई शेयर करिए मेरे दोस्तों, शेयर करिए, ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करिए। जिसने अब तक लाइक नहीं किया भाई लाइक करिए फटाफट, लाइक करिए, और अगर आपने शेयर नहीं किया तो भाई शेयर करिए फटाफट, लाइक एंड शेयर करते चलिए। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है बताएं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। कह रहा है विच स्टेट आर रिजर्व फॉर द मैक्सिमम सीट्स ऑफ लोकसभा, बताइएगा इसका। तो आपका प्रयास करें दोस्तों, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, फॉर गाइस एससी के लिए कह रहा है कि नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कह रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित हैं। बिल्कुल गाइस, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं, हृदय प्रदेश कहा जाता है, किसको, मध्य प्रदेश को। साथ साथ में इसकी बात करें तो इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है, किसको, मध्य प्रदेश को। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन, राज्य का संविधान किसे कहा जाता है? राज्य का संविधान पूछा है, बताएं। हु इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपको बताएं। राज्य का संविधान किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 152 से 237, 52 से 152, 324 से 395, 152 से 225, जवाब दीजिए, क्या होता है आपको बताएं। फॉर गाइस, हु इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, कह रहा है, बताइए भाई क्या होता है दोस्तों। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, 152 से 237 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही प्यार दोस्तों, अगर आप में कोई बच्चा यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहता है पीईटी की, तो प्यार दोस्तों याद रखना 10 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, 1379 रुपये फीस है। और इसके लिए कोड लगेगा गाइस, क्या, Y242, याद रखना Y242 कोड लगा दीजिए और आज क्या जाकर बैच ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन गाइस, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी बताएं। कह रहा है हु एडवाइज बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, बताएं क्या होता दोस्तों। राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, पंचायती राज में सुधार और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और हिमालय प्रायद्वीप नदियों का अंत्यक्रिया, बताएं भाई क्या होता आपका। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध, अगर यहाँ पे बात करें, बिल्कुल सही, मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही गाइस, फंडामेंटल ड्यूटीज इज द राइट आंसर। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, याद रखिएगा 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। आगे चलकर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा गाइस 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है? बताएं क्या होता दोस्तों। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट लाइबेबल इन एनी कोर्ट अंडर विच आर्टिकल, बताएं क्या होता दोस्तों। 300
359, 361, 356, 365, क्या उत्तर दोस्तों? जवाब दीजिए। राज्य का राज्यपाल, अगर बात करें गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल का प्रोविजन गाइस आर्टिकल 153 में राज्यपाल का प्रोविजन किया गया है। किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, याद रखिएगा, संवैधानिक प्रमुख होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, संवैधानिक प्रमुख होता है किसके तहत? 153। और किसी भी राज्य का राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल आर्टिकल 361 के तहत किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है, याद रखना दोस्तों। और ये भी याद रखना, राज्यपाल का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? तो कनाडा से लिया, याद रखिएगा, कनाडा से लिया है। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किन चार राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधित प्रावधान हैं? बताएं, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किन चार राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान है? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपका जवाब? दीजिए दोस्तों, गाइस, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बिल्कुल सही, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, याद रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है। बिल्कुल सही, तो बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। सामाजिक विषमता का मापन किया जाता है, सामाजिक विषमता का मापन किससे किया जाता है? बनाए, कह रहा है, सोशल इनइक्वालिटी इज मेजर्ड, सोशल इनइक्वालिटी पूछा है, सोशल इनइक्वालिटी इज मेजर्ड, फिलिप्स कर, गिनिंग गुणांक, हेराल्ड वक्र, इनमें से कोई नहीं। जवाब दे, क्या था आपका? प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट इज दोस्तों, क्या था आपका? प्यारे दोस्तों, अगर आपने कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अब तक लाइक नहीं किया भाई, तो लाइक कर दीजिए। और प्यारे दोस्तों, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर करें। बिल्कुल सही गाइस, यहाँ पे बिल्कुल सही गिनी कॉफिशियंट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, गिनी कॉफिशियंट के द्वारा सामाजिक विषमता का मापन किया जाता है। और फिलिप्स कर्व की बात करें तो बेरोजगारी में कमी को डिनोट करता है। बेरोजगारी में क्या कमी? कब? जब मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति में बेरोजगारी में कमी को डिनोट करता है कौन? फिलिप्स कर्व। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर राज्यों में है? बताएं, त्रिस्तरीय पंचायती राज, अगर हम पंचायत की बात करें, याद रखिएगा, पंचायत की बात करें, सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था। और इसी बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर? तो बलवंत राय, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रोविजन किया गया था। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर बिल्कुल सही 20 लाख है। बिल्कुल सही, 20 लाख, यानी 20 लाख से ऊपर जहां पर भी जनसंख्या है वहां त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रोविजन किया गया है। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर में पहली पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काली मत्तान जिस द्वीप का अंग है? बताएं, किस द्वीप का अंग है भाई काली मत्तान? होन्शू, बोर्नियो, क्यूबा एंड मेडागास्कर। बताएं, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, काली मत्तान द आइलैंड ऑफ विच इज ए पार्ट ऑफ। बताएं, विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। और किसके पास है? तो डेनमार्क के पास है याद रखिएगा। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा? ग्रीनलैंड। बिल्कुल सही गाइस। और काली मत्तान किस द्वीप का अंग है? तो बिल्कुल सही, बोर्नियो इज द राइट आंसर। बहुत सही गाइस। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? बताएं, कह रहा, हु वॉज द फर्स्ट टू मीजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट? न्यूटन, रोमर, हॉकिंस एंड डॉक्टर भाभा। जवाब दें, क्या होता है आपका? प्रयास करें दोस्तों, कोशिश सब लोग करिए, जवाब सब लोग दीजिए, प्रयास सब लोग करिए, क्या आंसर आपका? बताएं, सबसे पहले प्रकाश का वेग किसने मापा था? जवाब दें, प्रकाश का वेग, गाइस
जवाब दे दोस्तों, बिल्कुल गाइस रोमर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। यानी सबसे पहले प्रकाश का वेग रोमर के द्वारा मापा गया था। बहुत ही सही गाइस, बहुत अच्छे जवाब है, बहुत सही जवाब है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का संबंध किससे है? द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्कर लिस्ट और रेसिडोरी सब्जेक्ट, बताएं शिक्षा का संबंध किससे भाई? शिक्षा का संबंध आपसे पूछा गया है, एक बार जवाब दे दीजिए तेजी के साथ। क्या उत्तर गाइस? शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द यूनियन लिस्ट से है, स्टेट लिस्ट से है, कॉन्करेंट लिस्ट से है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट से है। क्या उत्तर दोस्तों बताइए? बिल्कुल सही, कॉन्करेंट लिस्ट से है, समवर्ती सूची से मेरे दोस्तों, समवर्ती सूची। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। बिल्कुल सही गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका के झील प्रदेश में निम्नलिखित पांच झीलों में से कौन सा पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, बताएं पांच झीलों में सब पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। याद रखना दोस्तों, याद रखना मेरे दोस्तों, सुपीरियर झील की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मेरे दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? तो मीठे पानी की झील है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, मीठा पानी का झील है कौन एज ए सुपीरियर झील। और पूरी तरह से कौन सा? तो मिशिगन है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही, मिशिगन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी एक प्रजाति की संख्या अधिक थी? हड़प्पा सभ्यता में कौन सी एक प्रजाति की संख्या सबसे अधिक थी? प्रजाति की संख्या सबसे अधिक थी, बताएं हड़प्पा में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति संख्या सबसे अधिक? हड़प्पा सभ्यता की बात करें, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। 1500 से अधिक प्लेस इसके मिल चुके हैं, 1500 से अधिक प्लेस मिल चुके हैं, याद रखिएगा, अधिक स्थल की खोज हो चुकी है, याद रखना दोस्तों। और यही हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड की संख्या सबसे ज्यादा थी, याद रखना मेरे दोस्तों। साथ साथ में ये कौन सी सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। आई होप अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसको हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहेंगे बताएं? वह अवस्था जो किसी धर्म विशेष का अनुसरण करती है, वह राज्य जो धर्म विरोधी हो, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, वह राज्य जो सभी धर्मों को राजधर्म के रूप में स्वीकार करता हो। जवाब देखा तो आपका प्यार दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यार दोस्तों, आशु सिंह, अंजलि, रोशन, रोहन, उपासना ठाकुर, भावना बुंदेला और प्रतीक्षा रॉ एजेंट, आप सभी लोग शेयर करेंगे इस फटाफट तेजी के साथ। फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए और साथ साथ में व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। तो चलिए गाइस बिल्कुल सही, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता उसी को ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, याद रखना मेरे दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द को सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसे सबसे पहले ऐड किया गया था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहा किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही भेष में दरवेश या फकीर कहती थी? यानी किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही भेष में फकीर कहती थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। प्यार दोस्तों जहांगीर की बात करें तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसका टाइम पीरियड? जहांगीर का। शाहजहां की बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था, ठीक है, किसका? ऐसे शाहजहां का टाइम पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है औरंगजेब की बात करें तो इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो चलिए गाइस बिल्कुल सही, 61 का डी इज राइट आंसर। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है बताएं? फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट इज दोस्तों, कोशिश करें दोस्तों। क्या उत्तर आपका बताएं? विच ओशियन हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ आईलैंड बताएं? बताइए क्या आपका सबसे ज्यादा द्वीप किस महासागर में है? बिल्कुल सही, पैसिफिक ओशन, बिल्कुल सही, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा महासागर है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे बड़ा महासागर,
सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो प्रशांत महासागर में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? द हाइएस्ट सेलाइन लेक इज, द हाइएस्ट सेलाइन लेक इज, बताएं टीटिकाका, मैराकाइबो, अथावास्का और लेडोगा, बताएं क्या आपका जवाब दे दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों, क्या होता है आपका? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? द हाइएस्ट सेलाइन लेक इज, कह रहा टीटिकाका, मैराकाइबो, अथावास्का और लेडोगा, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपका? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायन झील की बात करें, बिल्कुल सही टीटिकाका, बिल्कुल सही है। और टीटिकाका कहां पे है? तो पेरू और बोलिविया के बीच में, पेरू और बोलिविया के बीच में दोस्तों, याद रखिएगा, पेरू और बोलिविया के बीच में लेक टीटिकाका है, याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही। प्यार दोस्तों, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है मेरे दोस्तों, बताइए क्या होता है दोस्तों? द व्हाट रूल्स डज ए फाउंटेन पेन ऑपरेट? कैपिलरी एक्शंस, एक्शन ऑफ मोशन, एक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन और एक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, बताएं, जवाब दीजिए, क्या होता है आपका? प्रयास करें दोस्तों, क्या होता है आपका? कोशिश करेंगे गाइस, क्या आंसर है आपका, जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू करिए गाइस, जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू करिए, क्या होता है गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होता होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? केशिका क्रिया, गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया, परावर्तन की क्रिया, बिल्कुल सही गाइस, कैपिलरी एक्शन, बिल्कुल सही, कैपिलरी एक्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आप प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे को देख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास लेने डेली आते हैं, डेली क्लास लेने आते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करते। भाई मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा यार, डेली क्लास लो, डेली क्लास लो मेरे दोस्त, डेली क्लास लो। आज अगर मेहनत करोगे सफलता तुम्हें मिलेगी, आज अगर हमारे साथ मेहनत करोगे सफलता मिलेगी मेरे दोस्त। तो डेली क्लास लिया करो, डेली पूरी क्लास लिया करो गाइस, एक घंटे पूरा मेहनत करना है, एक घंटे पूरा मेहनत करना मेरे दोस्त, एक घंटे की बात होती, सिर्फ एक घंटे पूरा मेहनत कर लीजिए हमारे साथ। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्यकारण पर कौन सा नियम लागू होता है? हाइड्रोलिक ब्रेकों पर कौन सा नियम लागू होता है? बताएं, कह रहा व्हाट रूल्स अप्लाई द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स, बताएं क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिए, प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट इज दोस्तों, कोशिश करें दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका, बताएं गाइस। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर कौन सा नियम लागू होता है? बताएं, ऊष्मा का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम, गति का नियम, बिल्कुल सही गाइस, पास्कल का नियम लागू होता है, बिल्कुल सही, पास्कल लॉ लागू होता है, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, बिल्कुल सही कह रहा है गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है 66, गांधी जी ने किस प्राकृतिक आपदा को अस्पृश्यता खिलाफ दैवीय प्रतिशोध के रूप में संदर्भित किया है? बताएं, विच नेचुरल डिजास्टर वॉज रेफर्ड टू बाय गांधी जी एज डिवाइन रिट्रीब्यूशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, बताएं क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिए, प्रयास करें दोस्तों, क्या होता है आपका? बिल्कुल है बिहार भूकंप, बिल्कुल सही, बिहार अर्थक्वेक इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। किसने अकबर को जिल्ले इलाही और फरे इज्दी कहा है? बताइए क्या होता है दोस्तों, हु कॉल्ड अकबर जिल्ले इलाही एंड फरे इज्दी, बताइए क्या होता है आपका, जवाब दीजिए दोस्तों, क्या था आपका? बिल्कुल गाइस, अबुल फजल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, अबुल फजल जो 9 रत्नों में से एक थे, इसी ने जिल्ले इलाही और फरे इज़्दी से एड्रेस किया किसको? अकबर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस पुरातत्व से लकड़ी के हल का साक्ष्य मिला है? लकड़ी के हल का साक्ष्य पूछा है मेरे दोस्तों, लकड़ी के हल का साक्ष्य बताइए क्या था आपका। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स एविडेंस ऑफ वुडन पाव हैज बीन ऑब्टेंड, बताएं प्यार दोस्तों, मेरी डेली जो क्लास होती है, डेली क्लास याद रखिए, डेली क्लास होती है गाइस, डेली जो मेरी क्लास होती है वो डेली क्लास रात को 10 बजे होती है गाइस, 10 PM पे होती है, डेली क्लास रात को 10 बजे होती है मेरे दोस्तों, 10 PM पर डेली क्लास होती है, अतः डेली क्लास जरूर अटेंड करें, डेली क्लास जरूर अटेंड करें। बिल्कुल गाइस, इसका आंसर बनावली है, इसका आंसर बनावली है, ठीक है, बनावली कहाँ पे है? तो हरियाणा में दोस्तों, याद रखिएगा, हरियाणा के शहर बनावली में लकड़ी के हल का साक्ष्य मिला है, बिल्कुल सही। प्यार दोस्तों, अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा एसएससी की तैयारी करना चाहता है और खास तौर से सीजीएल का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो यार, तो याद रखिएगा, एक जून से बैच आ रहा है, इसकी फीस गाइस बहुत ही कम है, 1497 रुपये दे करके, शायद 1399 रुपये दे करके आप ये बैच ले सकते हैं, और इसमें कोड लगा दीजिएगा दोस्तों Y242, याद रखना Y242 कोड लगाइए, नहीं 1399 नहीं है, 1147, माय मिस्टेक, 1147 रुपये है, 1147 रुपये देकर गाइस आप ये बैच ले सकते हैं, ओनली 1147 रुपये गाइस, 1147 रुपये देकर के आप ये बैच ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन
समझिए, अगर आप कोई भी बच्चा यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो 10 जून से बैच आ रहा है, 10 जून से बैच आ रहा है, 1379 रुपये देकर के आप बैच ले सकते हैं। और इसके लिए भी कोड है गाइस, याद रखिएगा Y242, याद रखिएगा Y242 कोड लगाइए और मिशन यूपी ट्रिपल एससी का बैच ज्वाइन करिए हमारे साथ 10 तारीख से, 10 जून से बैच जरूर करिए गाइस। सर आप पहले रिपोर्टर थे क्या? नहीं भाई, हाँ मैं पहले रिपोर्टर नहीं था, मैं पहले रिपोर्टर नहीं था, ठीक है। अगला दिन समझिए प्यारे दोस्तों, अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा एसएससी की तैयारी करना चाहता है, एसएससी की तैयारी करना चाहता है, तो प्यारे दोस्तों याद रखिए ये महापैक आपके सबसे बेस्ट है। ये महापैक की बात करें तो ये महापैक गाइस मात्र इस पर गाइस राइट नाउ गाइस ये महापैक 2795 रुपये में आपको ये महापैक मिल जाएगा, 2795 रुपये गाइस याद रखिएगा। और इसके लिए कोड लगा दीजिए Y242, याद रखिएगा Y242 कोड लगाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 78% का डिस्काउंट चल रहा है, कोड लगा दीजिएगा गाइस Y242, जिसको भी परचेस करना महापैक परचेस करें और कोड लगाइए गाइस Y242 कोड लगाइए। अगर आप सीजन का महापैक लेना चाहते हैं, इस पर भी 78% का डिस्काउंट चल रहा है, इस पर भी कोड लगा दीजिएगा गाइस Y242। कहाँ से परचेस करेंगे? तो Adda247 पर जाकर के परचेस करेंगे गाइस, Adda247.com पे जाके इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप MTS का महापैक चाहिए, 78% का डिस्काउंट चल रहा है, कोड इस पर भी लगेगा गाइस, क्या Y24 लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा Y24 कोड लगाइए, Adda247.com पे जाकर ये बैच परचेस कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्यारे दोस्तों अगर आप SSC GD का महापैक परचेस करना चाहते हैं तो इस पर भी 78% का डिस्काउंट है, कोड लगा दीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कोड लगा दीजिएगा गाइस Y242 कोड लगा दीजिएगा, कोड लगा दीजिएगा गाइस Y242 कोड लगाइए और तुरंत गाइस हमारे साथ जुड़ जाइए। प्यारे दोस्तों अगर आप रिवीजन बैच परचेस करना चाहते हैं तो 78% का डिस्काउंट इस पर भी है, कोड लगा दीजिएगा गाइस इस पर भी, क्या Y242 कोड लगाइए, SSC CJEE का रिवीजन बैच में हमारे साथ ज्वाइन करिए। प्यारे दोस्तों अगर SSC कंप्लीट फाउंडेशन बैच चाहिए, कंप्लीट फाउंडेशन बैच कह रहा फाउंडेशन बैच, तो ये 8 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, 8 जून से स्टार्ट, इसकी इस पर भी 78% का डिस्काउंट और कोड लगा दीजिएगा गाइस Y24, याद रखिएगा Y24 कोड लगाइए, Y24 कोड लगाए गाइस आप ये SSC का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 78% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड। अगर आप प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इस पर भी कोड लगा दीजिएगा मेरे दोस्तों Y24 कोड लगाइए और प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करिए हमारे साथ। प्यारे दोस्तों अगर आप FCAT की तैयारी कर रहे हैं, तो FCAT पर 78% का डिस्काउंट मिल रहा है, 14 जून से बैच आ रहा है मेरे दोस्तों, 14 जून से बैच आ रहा है और इस पर भी कोड लगेगा गाइस, या Y24 याद रखिएगा, Y24 कोड लगाएं और FCAT का बैच हमारे साथ ज्वाइन करिए दोस्तों। प्यारे दोस्तों अगर DFCCIL का बैच चाहिए तो 31 मई से मेरे दोस्तों 31 मई से बैच आ रहा है, इस पर भी 78% का डिस्काउंट है, 78% का डिस्काउंट और कोड लगा दीजिएगा मेरे दोस्तों Y24, याद रखिएगा Y24 कोड लगाएं, Y24 कोड लगाइए और आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, DFCCIL का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं कल रात 10 बजे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।